हेलो एवरीवन वेलकम टू योर एजुकेटर यूट्यूब चैनल और हम लोग कर रहे हैं नीट का रिवीजन एन के अंदाज में थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां पे हर चैप्टर से 20 सवाल हम लोग पिक करते हैं और उससे पूरे थ्योरी का रिवीजन करते हैं और आज का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये सवाल दिया है कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी

तो हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ मास इज 20 सो द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड क्यों बोल रहे हैं रिटार्डेशन है देखो होता तो एक्सेलेशन है ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है अगर जिधर मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हो जाए तो स्पीड बढ़ता है अपोजिट में हो जाए तो घटता है बट दे आर द एक्सेलेशन जस्ट अ मैटर ऑफ डायरेक्शन की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है अब इस ऑब्जेक्ट को लाना है रेस्ट में तो इक्वेशन की बात करेंगे तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड फाइनली और ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू द स्टेट ऑफ रेस्ट तो फाइनल वेलोसिटी वी जीरो हो जाएगा वहीं पे इनिशियल वेलोसिटी ट्वेंटी है और क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड फोर्स ऑपोजिट है सो दिस एक्सलरेशन विल ऑल्सो बी इन अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस फाइव इंटू टाइम कितना हो जाएगा टी तो फाइव इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो टाइम टी हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव विच मीन्स फोर सेकेंड तो आपका जो बॉडी होगा वो चार सेकेंड के बाद रेस्ट में आ जाएगा क्लियर है तो ये पहला सवाल था बहुत ईजी था न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन पे भेजिए क्वेश्चन था और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज किया गया था बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर वन वन जीरो मतलब एक सौ दस पेज पे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे होता है कि मैन ऑफ महा सिक्सटी के जी स्टैंड ऑनंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड अब इसका कॉन्सेप्ट जरा सीखेंगे वेइंग मशीन जो रीड करता है वो क्या रीड करता है आप वेइंग मशीन के ऊपर में अगर कोई आदमी ऐसा स्टैंड करता है इन दैट केस नॉर्मल फोर्स एग्जॉटेड बाई द मैन ऑन द वेइंग मशीन विल बी द रीडिंग इसमें तीन केस होता है पहला केस होता है कि इसको हम ऐसे लिफ्ट पे खड़ा करते हैं इस आदमी को जो लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ या एक्सेलरेशन से उस केस में जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होता है वो इंक्रीज कर जाता है और ये हो जाता है एम इन टू जी प्लस ये होता है ये होता कैसे है क्योंकि ये जो आदमी है इस आदमी की हम बात करते हैं तो इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एन माइनस एम जी और ये वैल्यू हो जाएगा एम ए के बराबर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एम इन टू जी प्लस ए अगर यही मोशन होता क्या डाउनवर्ड होता सेकेंड केस में अगर ये मोशन क्या हो जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा होता उस केस में क्या हो जाता है उस केस में यहाँ पे हम लोग माइनस यूज करते हैं तो नॉर्मल फोर्स के वैल्यू एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा एक और केस होता है थर्ड जिसको कहते हैं हम लोग फ्री फॉल कहते हैं फ्री फॉल जब हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जी हो जाता है और नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं दिस इज नोन एज द वेटलेसनेस लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपका ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है टेन मीटर पर सेकेंड से जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है और ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है जीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है सो देर इज नो चेंज इन नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द मोशन सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी जी जिसको हम लोग सिक्सटी के वेट भी कहते हैं देखो 60 के वेट एक फोर्स का यूनिट होता है जिसका मतलब होता है कि जितना के है उतने के जी मास का वेट कितना है जैसे 60 के वेट का मतलब हुआ 60 के मास का वेट मतलब 60 इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये क्वेश्चन था एपरेंट वेट पे बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था इस पूरे को आप एक बार देख लीजिएगा तो एपरेंट जो वेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये भी पेज नंबर 110 से लिया गया है और ये रॉकेट प्रोपल्शन पे है रॉकेट अ लिफ्ट ऑफ मास 10,000 विधि इज ब्लास्टेड अपवर्ड एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज वट देखो ये जो रॉकेट होता है ना ये रॉकेट काम करता है आपका वेरिएबल मास सिस्टम पे काम करता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से अगर मोशन करता है और बैक में जो नीचे की तरफ इसका मास है वो इजेक्ट होता है डी एम बाई से तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करता है जिसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं और इसका वैल्यू होता है भी टाइम्स डीएम बाई होता है अपवर्ड डायरेक्शन का थ्रस्ट भी टाइम्स डीएम बाई होता है ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट जब हमें इक्वेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो इक्वेशन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो फोर्स लगाएगा कितना थ्रस्ट साथ ही साथ ग्रेविटी का फोर्स एम लग जाएगा नीचे की तरफ और इसमें एक्सलरेशन अपवर्ड है तो ऊपर की तरफ एक्सलेशन ए हो जाएगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू प्रिसाइसली डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन मास टाइम्स एक्सलरेशन होता है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम और ये राइट right साइड में कितना हो जाएगा एम इन हो जाएगा सो थ्रस्ट फोर्स हमसे पूछा गया यहाँ से इनिशियल थ्रस्ट तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा एम हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा एम हो जाएगा सो द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू एम को अगर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी प्लस ये हो जाएगा मास की बात करेंगे तो ये कितना दिया है ये दिया है टेन थाउजेंड के जी दिया है जी का वैल्यू टेन हो गया एंड एक्सिलडेशन ए जो दिया आप वो डायरेक्शन में कितना कह रहा है तो वो कह रहा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये का वैल्यू टू पुट कर दिया क्या बताओ टेन और टू कितना होगा ट्वेल्व फिर एक जीरो आ गया तो इसको वन ट्वेंटी करेंगे और उस पर कितना जीरो हो जाएगा थ्री जीरो हो होगा ना वन तो ट्वेंटी और थ्री जीरो को किलो कहते हैं और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एक्सपीरियंसड दिस रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज वन टी किलो न्यूटन सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व तब देख सकते हैं इस छोटे से क्वेश्चन से आपने वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया रॉकेट प्रोपल्शन किस तरीके से करता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी अब जो यहाँ क्वेश्चन है इसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड कांटेक्ट सरफेस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट पहली बात कि ये जो लॉजिक है ये गलत है क्योंकि अगर ये जो ब्लॉक है इसको हमने ऐसा ग्राउंड पे रखा हुआ है और अगर इसी पार्ट को हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ये जो सरफेस होता है कॉन्टेक्ट का ये कुछ इस तरीके से होता है और जब ये तरीके से हो गया ये कैसा हो गया सरफेस मेरा रफ हो गया तो यहाँ पे जो एक्चुअल कॉन्टेक्ट होता है बहुत कम होता है अगर पूरा एरिया हंड्रेड मीटर स्क्वायर है तो एक्चुअल हार्डली ढाई से तीन मीटर स्क्वायर हो जाएगा मतलब दो से तीन परसेंट का कॉन्टेक्ट ही होता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना ये आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते होंगे तो वहां पर जानते हैं हम लोग कि जो फ्रिक्शनल फोर्स दिया है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया हो जाता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इस बात को एक और छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब दिया है इस क्यूब को ऐसा लिटा के रखा हमने अब इसको पुल कर रहे हैं तब भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जब इस क्यूब को आप वर्टिकली रखते हो और यहां पर ड्रैग करते हो तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन सेम लगता है क्योंकि एरिया से इंडिपेंडेंट होता है और ये बोला है कि डिपेंड्स ऑन एरिया विच मीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया सेकेंड की बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स मे ऑल्सो एक्ट वेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑब्वियसली लगता है जैसे मान लो कि ये क्या हुआ एक ट्रक है आप इस ट्रक के क्या होता है बैक एंड पे खड़े हो और ट्रक क्या कर रहा है ऐसा रोड पे मोशन कर रहा है अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो आप ट्रक के रिस्पेक्ट में तो फिसल के नहीं जा रहे हो पीछे आराम से खड़े हो ट्रक आगे की तरफ चल रहा है लेकिन आप ट्रक पे क्यों खड़े हो क्योंकि आप पे ये जो ट्रक है ये लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो आप इस जगह पे खड़े नहीं होते तो यहाँ पे आपके और ट्रक के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है बट स्टिल फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इसका मतलब हुआ कि जो ऑप्शन टू लिखा है ये कैसा है करेक्ट ऑप्शन लिखा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है फिर भी फ्रिक्शन लग सकता है क्लियर है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स में एक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर टू यहां पे है, तो ये हो जाएगा आंसर ये भी क्वेश्चन पिक किया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर हंड्रेड एंड टेन से तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करना है पहली बात तो आप समझ लीजिए कि मोमेंटम क्या होता है तो मोमेंटम जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी होता है इसको मोमेंटम कहते हैं इसको एम भी बोलते हैं और मोमेंटम एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और जब हम बात करते हैं इम्पल्स का इम्पल्स कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो लगता है इसको जे या आई से डिनोट करते हैं इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और मोमेंटम चेंज होता है मोमेंटम चेंज होता है ये होता है जब फोर्स लगता है तब मोमेंटम चेंजेस ड्यू टू फोर्स अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा और यहीं से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आता है क्लियर है फर्स्ट पार्ट कोई दिक्कत नहीं अब यहां पे देखेंगे ये सिचुएशन वन अज्यूम करते हैं और ये सिचुएशन टू अज्यूम करते हैं बोला है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड दोनों ही केस की इंपल्स की बात करनी है तो सबसे फर्स्ट केस में बात करेंगे इंपल्स की बात करते हैं तो पहले जा रहा है राइट की तरफ और क्वालिशन के बाद हो जा रहा है लेफ्ट की तरफ इनिशियल मोमेंटम कैसा हो गया एम हो गया राइट की तरफ और फाइनल मोमेंटम कैसा होगा लेफ्ट की तरफ हो गया तो माइनस एम ना हो गया तो पहले केस का चेंज लिखेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल सो फाइनल एम और इनिशियल कितना हो जाएगा माइनस एम सॉल्व कर देंगे कितना होगा माइनस टू एम तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे फर्स्ट केस के मोमेंटम चेंज का तो कितना हो जाएगा टू एम हो जाएगा वहीं पे अगर आप बात करते हैं वहीं पे अगर आप बात करते हो किसका वहीं पे अगर बात करते हो दूसरे केस का एंगल ये थर्टी डिग्री दिया है तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा u cos थर्टी और इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो हो जाएगा u sin थर्टी वहीं पे अगर ये जो आफ्टर कोलिजन ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा और इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा u साइन थर्टी और ये वैल्यू कितना हो जाएगा u कॉस थर्टी अगर आप क्लोजली देखते हो तो पता चलेगा कि u साइन थर्टी और u साइन थर्टी दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में है लेकिन u कोस थर्टी पहले राइट right की तरफ था और बाद में u कोस थर्टी किधर हो जा रहा है लेफ्ट की तरफ हो जा रहा है तो दूसरे केस में अगर जब मोमेंटम चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहा है किसकी वजह से यू कोस थर्टी की वजह से पहले राइट right में है और बाद में किधर हो जा रहा है बाद में हो जा रहा है लेफ्ट की तरफ तो यहां पे जब मोमेंटम चेंज लिखेंगे दूसरे केस में तो ऐसे ही हुआ जैसे यू था तो यू कॉस थर्टी हो गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टू एम यू कॉस थर्टी डिग्री हो जाएगा रूल के हिसाब से दोनों का रेशियो निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बाई चेंज इन मोमेंटम सेकेंड क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स होता है तो पहले केस में चेंज कितना हो गया तो पहले केस में चेंज हो गया टू एम यू और दूसरे केस में कितना चेंज हो गया टू एम यू हो गया लेकिन एंगल में कितना हो जाएगा कॉस थर्टी हो जाएगा टू एम यू टू एम यू कैंसिल हो जाएगा और कॉस थर्टी की बात करते हैं तो रूट थ्री बाई टू होता है सो so, ये टू ऊपर जाएगा तो नीचे आगे कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ टू बाई रूट थ्री तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा अगर नहीं चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां दिया है फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी सोन इन द फिगर देन टोटल चेंज इन मोमेंटम अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिगर इंपल्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है इंपल्स का वैल्यू होता है चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और यही चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स टाइम जो ग्राफ होता है ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये जो इंटीग्रेशन होता है ये डिनोट करता है एरिया अंडर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया आप निकालते हो वो चेंज इन मोमेंटम देता है और वही इंपल्स देता है तो इस ग्राफ में पूछा है टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा इंपल्स हो जाएगा और इंपल्स क्या हो जाएगा इस फोर्स टाइम ग्राफ का पूरे का एरिया हो जाएगा और ये जो एरिया दिया है ये कैसा है ट्रापीजियम दिया है तो हाफ ऑफ सम समल साइड तो नीचे का सिक्सटी हो जाएगा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा प्लस फोर्टी और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टेन तो टू से कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो ये कितना होगा सिक्सटी और फोर्टी हंड्रेड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फाइव सो द वैल्यू इज फाइव हंड्रेड न्यूटन सेकेंड कितना करेक्ट आंसर क्लियर अब यहां पे क्या दिया है ये क्वेश्चन में दिया है कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक इन द गिवन डायग्राम इज फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ये तब तक लगता है जब तक कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है अपलाइट के बराबर होता है वहीं पे दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है एफ के का वैल्यू होता है म्यू के इन टू एन और थर्ड कंडीशन होता है ये हो गया मेरा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो जाता है म्यू स्टैटिक इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग कहते हैं अब देखते हैं कि यहां पे जो लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन वो कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू क्या हो जा रहा है ये वैल्यू हो जाता है म्यू इंटू एन हो जाता है नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा थ्री जी सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स इज थ्री जी विच इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी न्यूटन कितना वैल्यू हो गया थर्टी न्यूटन

बोलता है कि मशीन गन्स फायर टेन बुलेट्स एक मशीन गन है जो कितना बुलेट फायर करता है टेन बुलेट्स फायर करता है पर सेकेंड हर बुलेट का जो स्पीड दिया है वो है टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एंड द मास ऑफ ईच बुलेट इज ट्वेंटी ग्राम देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस गन इज वॉट किसी भी गन से जब बुलेट फायर होता है तो जो गन होता है इस पर पीछे की तरफ रिक्वायर फोर्स लगता है और इस फोर्स को होल्ड करता है जो बुलेट फायर कर रहा होता है वो आदमी इतना होना चाहिए मजबूत कि उसको होल्ड कर ले अब यहां पे फोर्स क्यों लगता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम बात करते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस रेट ऑफ चेंज का मोमेंटम का मतलब होता है एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ अब यहां पे इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो एक बुलेट का मास एम है और उसका वेलोसिटी भी है तो ये सिंगल बुलेट का मोमेंटम हुआ और एक सेकेंड में ऐसा ऐसा एन नंबर ऑफ बुलेट फायर हो रहा है तो ये टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है एक सेकेंड में और क्या यही फोर्स हो जाएगा यस एग्जैक्टली यही फोर्स हो जाएगा और एक बुलेट का मास 20 ग्राम है ग्राम को के में कन्वर्ट करेंगे तो टेंट द्वारा माइनस थ्री स्पीड का वैल्यू 200 दिया है और एन का वैल्यू 10 दिया है वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो और ये जो थ्री है ये कंप्लीट हो जाएगा तो टू टू जब फोर ते, इन टू टेन कितना जी so में कन्वर्ट करना है स्पीड टू हंड्रेड एंड नंबर ऑफ बुलेट टेन दिया है तीन जीरो से साइड कर दो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्टी न्यूटन और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन से जी रेस्ट horizontal प्लेन द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल एन एंगल टी डिग्री विद द हॉरिजेंटल मास जस्ट बिगे टू स्लाइड द कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस इज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि किसी भी इनक्लाइन पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रखे हो तो उस केस में इनक्लाइन का वो एंगल जिसपे ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन करना शुरू कर देता है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं और यहाँ पे जस्ट स्लाइडिंग शुरू हो जाता है और एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू होता है कितना म्यू हो जाता है तो फ्रिक्शन टू टेन और का वैल्यू इस क्वेश्चन में बोला है रिपोज कितना है थर्टी एंड टेन थर्टी का वैल्यू होता है सो द द आंसर इज इज ऑप्शन करेक्ट आंसर नाउ दिस क्वेश्चन अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट फाइव मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेबल रोड टेक्स अ अट टर्न टर्न्स उट रिड्यूसिंग स्पीड मिनिमम में जो स्पीड है सेकेंड इस क्वेश्चन में जो रेडियस है जिस सर्कुलर टर्निंग पे मुड़ रहा है वो कितना दिया है टू पॉइंट फाइव मीटर पूछा गया कितना फ्रिक्शन कोफिशियंट होगा तो सर्कुलर जो बेंडिंग होता है इसमें वेलोसिटी का वैल्यू होता है रूट अंडर म्यू आर जी सो द वैल्यू ऑफ भी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी तो इस क्वेश्चन में हम म्यू का वैल्यू जब निकालते जाते हैं तो भी ए स्क्वायर बाई कितना होता है आर जी और वी का वैल्यू दिया है फाइव इन टू फाइव डिवाइडेड बाई रेडियस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एंड जी इज इक्वल्स टू टेन दिस इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव एंड दैल्यू कम्स आउट इज वन

50 परसेंट पोर्सन ऑफ आवर डिस्कशन चाहे तो यहां पे वीडियो को पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हो अगर आपने यहां तक देखा है तो अब शुरू करते हैं यहां से अगले दस क्वेश्चन की तरफ जिससे बाकी पोर्शन है उसका हम लोग रिविजन करेंगे ये क्वेश्चन नंबर अ ट्रक फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ ट्रक एंड द बॉक्स प्लेस्ड ऑन इट सच दैट द बॉक्स डज नॉट स्लिप एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा इसका कंडीशन एक है जब नीचे वाले का एक्सेलरेशन और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन सेम हो जाए नीचे वाले का वेलोसिटी ऊपर वाले का वेलोसिटी सेम हो जाए तो कोई स्लिपिंग नहीं होगा अब ये जिस ट्रक पे है इसका जो एक्सेरेशन है वो दिया है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन ये जो ब्लॉक है ब्लॉक का एक्सेलरेशन मेरे को मालूम नहीं है इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव कराएगा फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है म्यू जी और इसकी वजह से जो एक्सेडेशन होता है ये अगर फाइंड करते हैं तो एक्सलडेशन का वैल्यू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास, और फोर्स का वैल्यू कितना हो गया तो म्यू एम जी हो गया डिवाइडेड बाई एम हो गया देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू जी अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों का दोनों कैसा है इक्वल है ए वन इज इक्वल्स टू ए टू तभी तो स्लिपिंग नहीं होगा ना विच मीन्स म्यू जी इज इक्वल्स टू फाइव तो वैल्यू ऑफ मीव इक्वल्स टू हाउ मच फाइव बाई जी ये हो गया फाइव और जी का वैल्यू हो गया टेन फाइव टू जै टेन मतलब वैल्यू आ गया कितना एंड दिस इज इक्वल्स टू तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन को जीरो पॉइंट फाइव एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था दो सरफेस के बीच में स्लीपिंग नहीं होने के लिए दोनों का एक्सेलरेशन एंड दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए इस क्वेश्चन में कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग पी क्यू इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा बात है इसको रिवाइज करते हैं कि कंपोनेंट जब भी ब्रेक करते हैं इसमें याद रखना है कि ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सिस लेना है और जो फैक्टर ए दिया है उसका जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है उधर में कंपोनेंट कॉस हो जाएगा विच मीन्स ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट साइन हो जाएगा विच मीन्स ए साइन थीटा ये दो कंपोनेंट होते हैं अब बोला है कि इस पी क्यू स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा बताना है पी क्यू स्ट्रिंग इधर है इसमें टेंशन एज्यूम कर लीजिए टी दिया है लेट से टी वन और ये जो दूसरा स्ट्रिंग दिया है इसमें टेंशन कितना है टी टू दिया है नीचे में छ के जी का ब्लॉक है इस पर फोर्स सिक्स जी लगता है बिकॉज वेट वैल्यू एम जी होता है फोर्स कितना हो गया सिक्सटी न्यूटन हो गया और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना दिया है थर्टी सेवन अब इसका कंपोनेंट जब हम स्प्लिट करते हैं ये हो जाएगा टी वन कॉस थर्टी सेवन और परपेंडिकुलर में टी वन साइन थर्टी सेवन अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है आपका पूरा पूरा इक्लिबरियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड फोर्स इक्व टू राइटवर्ड हमें निकालना है पी में टेंशन मतलब टी निकालना है तो वर्टिकल को अगर इक्वेट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा विच मीन टी वन साइन थर्टी सेवन डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी न्यूटन टी वन एंड वैल्यू ऑफ साइन थर्टी सेवन इज थ्री बाई फाइव और ये हो गया सिक्सटी थ्री से कर देंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 मल्टीप्लाइड बाई फाइव इसका मतलब हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कंपोनेंट स्प्लिट करके पे बेस्ड क्वेश्चन था तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना है सिंपली नेट फोर्स को बैलेंस करना है एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन को और ये फर्स्ट लॉ पे बेस्ड आपका क्वेश्चन हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन ये क्वेश्चन दिया है कि रीडिंग बताइए कितना हो जाएगा स्प्रिंग का ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग की बात करते हैं तो इसमें दरअसल में यहाँ पे जो टेंशन लगता है यही इसका रीडिंग होता है लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैसा होता है मासलेस होता है इसमें कोई भी मास नहीं होता है। और अगर ऑब्जेक्ट मासलेस है इसका मतलब कितना हो जाएगा जैसे मान लीजिए इसका एक्सलेशन ए हो गया इधर की तरफ तो टी टू माइनस टी वन बराबर मास कितना हो गया जीरो इंटू एक्सलेशन ए बराबर जीरो मतलब टी टू बराबर टी वन ना हो जाएगा अगर कोई मास नहीं है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड टेंशन क्या होगा बराबर होगा तो हमें टेंशन निकालना है और टेंशन ही इसमें रीडिंग होता है अभी ऑब्जेक्ट का मास सिक्स के है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा यहाँ पे लग रहा है फोर्स थ्री जी और यहाँ पे फोर्स लग रहा सिक्स जी तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा पुलिंग सिक्स नीचे की तरफ खींच रहा है जबकि थ्री इसको अपोज कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट एज ए होल नीचे की तरफ आ रहा है लेफ्ट में और राइट में ऊपर जा रहा है तो सिक्स जी माइनस थ्री जी टोटल मास कितना होगा सिक्स प्लस थ्री क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बाय मास टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय टोटल मास बीइंग एक्सेलरेटेड 6g जी माइनस थ्री जी बाई सिक्स मतलब ऊपर में कितना हो गया 3g जी बाई कितना हो जाएगा 9 तो g से हो गया थ्री टाइम्स सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज g बाई थ्री अब हमें निकालना है टेंशन का वैल्यू तो कोई भी एक ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री के ब्लॉक है इसको अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे इस थ्री के ब्लॉक पर क्या हो रहा है टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है थ्री लग रहा है और एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा ए तो इक्वेशन इज टी माइनस थ्री जी इज इक्वल टू थ्री एन दैल्यू ऑफ टीव टू थ्री जी प्लस में कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा so जी प्लस तो और ए का वैल्यू कितना है जी बाई थ्री वैल्यू हो गया थ्री और थ्री जी प्लस जी कितना हो जाएगा फोर जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा थ्री इससे कैंसिल हो गया और वैल्यू हो गया फोर जी का वैल्यू पुट कर देंगे टेन तो कितना आ गया वैल्यू

T1 का तो ये कितना है 10 kg हो जा रहा है और ये कितना है 5 kg हो जा रहा है और यहाँ पे जो लग रहा है टेंशन कैसा है T1 दिया है अब बताओ एज ए होल ये तो दोनों को बैलेंस करके रख रहा है ना ऊपर की तरफ 5 kg और 10 kg का मतलब कितना होता है पंद्रह के जी ना होता है तो फिफ्टीन जी लग जाएगा तो वैल्यू ऑफ टी वन कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा फिफ्टीन जी हो जाएगा और क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि बताइए टी वन बाई टी टू कितना हो जाएगा टी वन का वैल्यू हो जाएगा फिफ्टीन जी और जो T2 दिया है इसके वैल्यू हो जाएगा टेन जी जी से जी कैंसिल हो जाएगा से थ्री टाइम्स हो जाएगा फाइव से टू टाइम्स हो जाएगा तो so so कितना हो 3 by 2 हो जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार इज मूविंग ऑनड रोड ऑफ रेडियस आर द रोड इज बैंक एट एन एंगल थीटा दिन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द कार इज न्यू द मिनिमम सेफ याद रखना है कि रूट अंडर आर जी ये होगा आर जी और आर जी होता है मिनिमम बात करेंगे तो ऊपर में निगेटिव होता है और नीचे में पॉजिटिव होता है ऊपर में निगेटिव होता है और नीचे में क्या होता है पॉजिटिव तो ये वैल्यू क्या हो जाता है ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा और ऊपर में पॉजिटिव हो जाए नीचे में निगेटिव हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है डेरिवेशन में इसका नहीं कुछ जानना है ये याद रखिएगा कि सेफली अगर बेंड करना चाहते हैं तो इसका जो वेलोसिटी होता है ये वैल्यू कितना होता है तो रूट अंडर आर जी होता है मिनिमम का बात कर रहे हैं तो मिनिमम कितना होता है टेन थीटा माइनस म्यू होता है डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा होता है और अगर यही मैक्सिमम निकालना है तो ये जो ऊपर में हिस्सा दिया ये प्लस हो जाता और नीचे वाला क्या हो जाता है माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस और यहां से मैक्सिमम और मिनिमम को आप ध्यान में रख सकते हैं और याद रखिएगा ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी है और एनसीआरटी के पेज नंबर वन जीरो फोर पे एक्सप्लेन है तो आप वहां पे इसको रेफर कर सकते हैं ये सवाल दिया है एडवुड मशीन का क्वेश्चन है एनसीआरटी के पेज नंबर वन जीरो सिक्स के कॉन्सेप्ट लिया गया है और इसमें बोला कि एक्सलेशन ऑफ थ्री के मास कितना होगा तो जाहिर सी बात है इसको देख के पता चलता है कि थ्री के जी हेवियर है तो नीचे आएगा और टू के जी लाइटर है तो ऊपर जाएगा थ्री के जी नीचे इसलिए आएगा कि थ्री जी फोर्स लग रहा है और टू जी पे टू जी फोर्स लग रहा है ज्यादा फोर्स थ्री जी का है इसलिए ये थ्री जी वाले ब्लॉक को फेवर करेगा टू जी वाले को अपोज करेगा जो टू जी फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन ए जब भी निकालते हैं तो एक ऐसा हो जाता है नेट फोर्स हो जाता है डिवाइडेड बाई क्या होता है टोटल मास होता है नेट फोर्स जब हम बात करते हैं तो थ्री के जी वाले पे थ्री जी हो गया और टू जी वाला अपोज कर रहा है टू के जी का तो टू जी माइनस करेंगे और नीचे होगा थ्री प्लस टू ऊपर में हो जाएगा जी और नीचे थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव जी का वैल्यू टेन हो गया और ये कितना हो जाएगा फाइव और ये कितना हो गया फाइव टू जै टेन सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन ऑफ थ्री के जी ब्लॉक इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डायरेक्टली फार्मूला होता है एक पॉइंट रिवाइज रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ये ब्लॉक दिया है सिस्टम और आप क्या करते हो दोनों साइड में दो ब्लॉक को यहाँ पे हैंग कर देते हो एक का मास वन दूसरे का मास एम टू तो इसका जो टेंशन का वैल्यू होता है वो कितना होता है तो ये फार्मूला टू एम वन एम टू डिडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन जी होता है और वहीं पर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एम वन माइनस एम टू डिडेड बाई एम वन प्लस एम टू और इन कितना हो जाता है जी होता है तो यहाँ से एक्सेलरेशन और यहाँ से टेंशन है इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स देन द बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है अगर ये कोई सरफेस है हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि नेट फोर्स इस पर जीरो नहीं है कुछ फोर्स लग रहा है जब कुछ फोर्स लगता है तो एक्सेलेशन का वैल्यू कितना होता है फोर्स बाई मास होता है और क्योंकि फोर्स लग रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा और जब एक्सेलेशन होगा तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मेरा एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब उसका स्पीड टाइम के साथ क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो प्रिसाइजली बोलेंगे कि वेलासिटी उसका चेंज कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर में जीरो फोर्स नहीं लग रहा है जीरो फोर्स का मतलब बैलेंस्ड होता है और जीरो फोर्स नहीं है तो उसे हम लोग अनबैलेंस करते हैं तो ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ इंक्लाइन से आप रिलीज करते हो एंगल दिया है थीटा और ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इंक्लाइन कैसा दिया है स्मूथ दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है जी साइन थीटा हो जाता है वहीं पे अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे आप रिलीज करते हैं ये जो इंक्लाइन दिया है ये मेरा रफ दिया हुआ है तो नीचे आने का एक्सेलरेशन अगर ए टू हो गया तो ए टू एक्सेलरेशन हो जाता है जी और वैल्यू लिखेंगे तो हो जाता है साइन थीटा माइनस में थीटा ए टू होता है जी साइन माइनस cos थीटा और ए वन होता है G sin theta, ये छोटा सा याद रखना है स्मूथ इनक्लाइन थीटा और वहीं रफ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन माइनस cos थीटा होता है अभी क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही केस का जो एक्सेलरेशन है इसका रेशियो निकालिए मतलब A, B, तो A कितना होगा जी शाइन एंगल कितना हो जा रहा है फोर्टी फाइव हो जा रहा है और वहीं पे दूसरे केस में बात करेंगे तो जी शाइन फोर्टी फाइव माइनस म्यू कॉस फोर्टी फाइव तो जी और जी कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये वैल्यू लिखेंगे तो साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू हो जाएगा और ये साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू माइनस म्यू का जब बात करेंगे तो ये वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है जीरो पॉइंट फाइव दिया है और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू तो डिनोमिनेटर से अगर वन बाई रूट टू का हम कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव कैंसिल हो गया वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव होता है जीरो पॉइंट फाइव यह हो जाएगा जीरो

तो इन विच केस द रोप विल ब्रेक इफ मंकी याद रखना है कि रोप अगर कोई भी ऐसा हैंगिंग है और कोई भी मंकी इस रस्सी को पकड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उस केस में अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें लगने वाला जो टेंशन हो जाता है वो कितना होता है जी प्लस ये होता है वहीं पे अगर ये जो मंकी है इस रस्सी पे फिसलता हुआ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से आता है तो यहाँ पे टेंशन हो जाता है एम इन जी माइनस हो जाता है यह हुआ फर्स्ट केस ये हुआ सेकेंड केस और अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा जैसे ऑप्शन नंबर वन की बात करते हैं तो अप क्लाइम एक्सेलरेशन दिया है सिक्स ऊपर की तरफ जाता है तो फॉर्मूला टेन और एक्सलरेशन का वैल्यू दिया टू सिक्सटी एंड टेन प्लस टू हो गया ट्वेल्व अब इसमें निकालेंगे टेंशन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा सेवन ट्वेंटी न्यूटन मास सिक्स के सी दिया है और जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन सॉरी टू नहीं है कितना दिया है सिक्स दिया है सिक्स वादे कितना हो गया सिक्सटीन हो गया तो सिक्सटीन में सिक्स से करेंगे तो नाइन सिक्सटी न्यूटन आ जाएगा और रस्सी मैक्सिमम टेंशन विथ स्टैंड करता है कितना नाइन हंड्रेड न्यूटन तो ये तो रस्सी टूट जाएगा ना इसमें रस्सी टूट जाएगा और बोला है कि इन विच द रोप विल ब्रेक और बाकी समय कैलकुलेट करो जैसे ऑप्शन टू हो जाएगा एक्सेलरेट्स अप विथ एक्सेलेशन क्लाइंट्स डाउन नीचे आ रहा है तो नीचे में ये फॉर्मूला हो जाएगा इसमें टेंशन कितना हो गया मास के वैल्यू हो गया सिक्सटी टेन हो गया और नीचे आ गया फोर तो फोर को क्या कर देंगे माइनस तो हो गया सिक्सटी इंटू सिक्स हो जाएगा मतलब कितना होगा थ्री सिक्सटी न्यूटन तो नाइन हंड्रेड से तो बहुत कम हो गया थर्ड ऑप्शन वाला क्लाइंट्स अभी तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कितना हो गया एक्सलरेशन तो जीरो हो गया सिक्सटी इंटू टेन प्लस जीरो मतलब इस केस में कितना टेंशन लगेगा सिक्स हंड्रेड न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर फोर है फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर द ग्रेविटी तो नीचे की तरफ आया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जी हो जाएगा तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा एम इन टू फ्री फॉल नीचे हो रहा है तो जी माइनस जी कट गया तो टेंशन कितना हो गया जीरो जीरो है तो रस्सी टूटने की को कोई बात ही नहीं है थ्री सिक्सटी है तो नाइन हंड्रेड से कम है रस्सी नहीं टूटेगा सिर्फ और सिर्फ एक है नाइन सिक्सटी नूट जिसमें रस्सी टूट जाएगा और ये कहानी कब हो रहा है ये हो रहा है ऑप्शन नंबर वन के केस में ये फुलफिल हो जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रिक्शन पे बेस्ड है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जनरली हम लोग ग्राउंड पे लेते हैं तो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस और ये वॉल पे दिया हुआ है तो कैसे इसको कंसिडर करते हैं क्वेश्चन ने बोला है किल इज जीरो पॉइंट फाइव दैन द मिनिमम फोर्स इफ टू होल्ड द ब्लॉक विद द वॉल इज इस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो इस पर क्या क्या फोर्स लगता है ये मेरा ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया फाइव के जी जिस ब्लॉक को इधर से हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स कितना है एफ दिया है तो साथ ही साथ इधर दीवार है ये भी इस पर अप्लाई कर देगा नॉर्मल फोर्स एन ग्रेविटी बोलेगा कि नीचे आ जाओ और ये फोर्स कितना हो जाएगा एम हो जाएगा इसका वैल्यू फाइव हो जाएगा इंटू टेन मतलब ये वैल्यू हो जाएगा फिफ्टी न्यूटन हो जाएगा और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है मिव इन टू एन हो जाएगा और अब ये फोर्स एफ एंड नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है तो नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा इक्वेशन पहला हुआ एन इक्व टू एफ क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स हो गया और ये डाउनवर्ड फोर्स है कैसा होना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितने के बराबर होना चाहिए एम के बराबर होना चाहिए मतलब म्यू एन का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए एम के बराबर म्यू इन टू के जगह पर एफ बराबर कितना होना चाहिए एम होना चाहिए और हमें चाहिए क्या एफ का वैल्यू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा म्यू हो जाएगा और मास दिया है यहाँ पे फाइव जी का वैल्यू दिया है टेन और म्यू की बात करेंगे तो कितना दिया है जीरो पॉइंट फाइव दिया है डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है टेन फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा एंड टेन इंटू टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा हंड्रेड न्यूटन हो जाएगा सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सिंपल से हमने इक्विलिब्रियम लिखा एक डायरेक्शन के फोर्स को दूसरे डायरेक्शन के फोर्स से इक्वेट किया और वहां से क्या किया जैसे ही इक्वेट किया तो जो अननोन फोर्स एफ था ये मेरा कैलकुलेट हो गया बहुत ही आसानी से तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन का सेशन जिसमें लॉज ऑफ मोशन को हमने कंप्लीटली रिवाइज किया अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगता है आपका आपको मेरा एफर्ट पसंद है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और ये लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको सो डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है सो थैंक यू सो मच for watching this lecture till the end bye bye